है तो मैंने छह मिसरों में बताई। मौलाना फरमाए कि बेगम ने हमसे पूछा कि आए सागरे बहार, 25 साल हो गए शादी को मैं निसार, लेकिन है गर्म आज भी मैदान कारजार, ओ परवान क्यों चढ़ा न बताओ हमारा प्यार। हमने कहा कि मौलवी साहब निजाह में क्या पढ़ गए तलाक का सीगा निकाह में। हमने कहा कि मौलवी साहब निजाह में क्या पढ़ गए तलाक का सीगा निकाह में। अभी पिछले साल मेरा मुल्क जो था वो सूखे का शिकार हो गया था, तो सारे काम हो रहे थे, लेकिन जब ये कहा जाता था कि कोई मुशायरा कर लीजिए तो ये आवाज आती थी कि साहब सूखा पड़ा रहा है, मुशायरा नहीं हो सकता। तो जैसे शायरों के न बीवी है न बच्चे हैं, शायर क्या करें। वो छह मिसरों में कि मद्दा पड़ा है शेरो सुखन का जो रोजगार, सूखे में सूखते हैं अदीबाने बागार, किससे बयान कीजिए शायर का हाल जार, बनिए भी मारे खौफ के देते नहीं उधार। और बेगम ये कह रही है मुझे कोस कोस के, कब तक पकड़ के खाओगे मुर्गे पड़ोस के, कब तक पकड़ के खाओगे मुर्गे पड़ोस के। जहां उर्दू के ऊपर तरह तरह के इल्जाम आयद होते हैं, वहां ये भी इल्जाम है कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की जबान है। तो मैंने कहा इस कते के तीसरे मिसरे में जिन शोरा इकराम का मैंने तस्करा किया है उसमें एक भी मुसलमान शायर नहीं है, लेकिन बगैर उनके तस्करे के उर्दू अदब की तारीख भी मुकम्मल नहीं होती है। मौलाना फरमाए तो क्यों हमारे खून को पानी पिए देते हैं आप, दोस्तों को दुश्मने जानी पिए देते हैं आप, वो जबां जो है फिराको शादो शंकर की जबां, उस जबां की क्यों मुसलमानी किए देते हैं आप, उस जबां की क्यों मुसलमानी। दिल्ली में निकले तो दुकानदार घेर लेते हैं कि ये ले लो वो ले लो वो ले लो, जाना कहीं है रास्ता रोक के खड़े हो गए। तो मैंने ऐसी चीज मांगी कि इसके पास नहीं होगी और मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन वो भी थी। मौलाना फरमाए कि बोला दुकानदार कि क्या केक है, बोला यहीं पर खाओगे या लेके जाओगे, बोला यहीं पर खाओगे। इस वक्त आप हजरात को मालूम है कि गजलों से हुस्न मस्क हो रहा है और गजलों में जदीदियत दाखिल हो रही है। तो ये छह मिसरे चार मिसरे मौलाना फरमाए कि सूरत मीर कोई शेर निकाले या रब, सूरत मीर कोई शेर निकाले या रब, ओ मसनद गालिब ओ इकबाल बचा ले या रब। ऐसी लगती है ये जिद्दत भरी गजलें मुझको जैसे लड़की कोई सर अपना मुंडा ले यारा, ऐसी लगती है ये जिद्दत भरी सूरत नीर कोई शेर निकाले यारब, मसनदे गालिबो इकबाल बचा ले यारब। ऐसी लगती है ये जिद्दत भरी गजलें मुझको जैसे लड़की कोई सर अपना मुंडा ले यारब। आखिरी खता ख्याल यूं है कि पहला दुनिया का सबसे पहला आदमी आदम और सबसे पहली औरत हुआ, ये हमारा ईमान है। मौलाना फरमाए कि पहला ही आदमी हुआ आदम, अपना आगाज कितना अच्छा है, आखिरी होगी क्या खुदा जाने, पहली औरत का नाम हुआ है। इस नज्म का उन्वान है क्रिकेट मैच। ये क्रिकेट मैच शायरात और शोरा इकराम के दरमियान खेला जा रहा है।
इसमें शायर आज फील्डिंग कर रही है और शायर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस नज्म के पस मंजर में आज के मुशायरे हैं जहां पर शायर आज ज्यादा पसंद की जाती है और शायर खूब किए जाते हैं। मौलाना फरमाए कि बेजार हो गए थे जो शायर हयात से, अरे क्रिकेट का मैच खेल लिया शायर से, वाकिफ न थे जो दोस्तों औरत की जात से, चौके लगा रहे थे ख्यालों में रात से, वो आई जो सुबह शाम के नक्शे बिगड़ गए, उस सुर्रों से हम गरीबों के स्टंप उखड़ गए। अब नज़्म देखें कि नाजो अदाओ हुस्न ने जादू जगा दिए, पहले तो ओपनर के ही छक्के छोड़ा दिए, वन डाउन पर जो आए तो स्टंप उड़ा दिए, और राहे फरार के भी तो रस्ते भुला दिए, वो कैच वेरी लो था मगर बेखड़क लिया, एक मोहतरम को एक ने गली में लपक लिया। लपक लिया क्या क्या बयान कीजिए एक एक का बात पर, जलवा फिगन जमी पथी तारों की अर्जुमन, हुस्नो शबाबो इश्क से भरपूर हर बदन, और शायर पवेलियन में थे पहने हुए कफन, अरे जितनी थी ब्यूटीफुल वो स्लिप पर गली पसी, और जितनी थी ओवर एज वो सब बाउंड्री पसी। क्या क्या बयान कीजिए एक एक का बात पन, जलवा फिगन जमी पथी तारों की अंजुमन, हुस्नो शबाब वो इश्क से भरपूर हर बदन, और शायर पवेलियन में से पहने हुए कफन, जितनी थी ब्यूटीफुल वो स्लिप पर गली पथी, और जितनी थी ओवर एज वो सब बाउंड्री पथी। और बंद मुलाजा फरमाए कि परियों के जिस तरह से परे कोह काफ पर, एक लांग आन पर थी तो एक लांग आफ पर, एक थी कवर में एक हसीना मिडाफ पर, और जो शार्ट पिच थी गेंद वो आती थी नाफ पर, जो शार्ट पिच थी गेंद वो आती थी नाफ पर, और ठहरे न वो क्रीज पर, जो थे बड़े बड़े और मुझ जैसे तीन टाम तो विकटों पर फट पड़े। और शायरी से भरपूर बंद अहले अदब की खिदमत में पेश कर रहा हूं कि वो लाल गेंद फूल हो जैसे गुलाब का, जिस तरह दस्ते नाच में सागर शराब का, साया हवा में नाचता था आफ्ताब का, और बम्पर में सारा जोर था हुस्नो शबाब का, अरे ऐसे भी अपने इश्क का मैदान बनाते थे, अंपायर हर अपील पर उंगली उठाते थे। ऐसे भी अपने इश्क का मैदान बनाते थे, अंपायर हर अपील पर उंगली उठाते थे। जिसके लिए मैंने नज़्म कही वो आखिरी बन कि जब बाल फेंकती थी वो गेसू संवार के, जब बाल फेंकती थी वो गेसू संवार के, नजदीक और होते थे हालात हार के, वो कहते थे मैच देखने वाले पुकार के, उस्ताद जा रहे हैं शबे गम गुजार के, उस्ताद जा रहे हैं शबे गम गुजार के, और उस्ताद कह रहे थे कि फिटकार मैच पर, वो दो दो झपट रही है शरीफों के कैच, जनाबे सागर खयामी साहब के कलाम आप हजरात ने समाप्त फरमाया, और अब मैं जनाबे वसीम बरेली साहब को दावत कलाम देता हूँ।
therefore प्रहलाद इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में कोई गजल या गीत पढ़ूं, माहौल कैसा हजार बना हुआ है, चाहता यह हूं कि दो तीन शेर पढ़कर आपके मिजाज को अपनी शायरी से हमाहंग करने की कोशिश कर लूं ताकि शेर सही तरीके से आप तक पहुंच सके। मेरी शायरी से बहुत मुख्तलिफ माहौल में आप अभी तक थे, थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे तो शायद मेरे साथ भी आप चलने में आपको दिक्कत न हो। हमारे मुल्क का ये मौजू है, मैं दो मिसरों में अदा कर रहा हूं, लाया समझिए कि गरीब गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं और समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। एक और पस मंजर है, आपका जहन यकीनन वहां तक पहुंचेगा। दो मिसरे मौलाना फरमा लें कि जला के रख लिया हाथों के साथ दामन तक, जला के रख लिया हाथों के साथ दामन तक, तुम्हें चराग बुझाना भी तो नहीं आया। जला के रख लिया हाथों के साथ दामन तक, तुम्हें चराग बुझाना भी तो नहीं आया। और ये दो तीन अशार अगर किसी और जरिए से पहुंच गए आप तक तो माफ कीजिएगा, मगर मैं चाहता ही हूं कि पिछली मरतबा मैं भी बहुत प्यासा प्यासा चला गया था और आप लोगों को भी जहमत से दो चार होना पड़ा था, तो ये सुन लें। कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, गजल पढ़ना अदाकारी न करना, गजल पढ़ना अदाकारी न करना। और ये दोनों अशार कताबंद है, मुलाहिज़ा फरमाएं कि जो मेरी जिंदगी के साथ की है, जो मेरी जिंदगी के साथ की है, वही मरने पे फनकारी न करना, वही मरने पे फनकारी न करना, मेरे बच्चों के आंसू पोंछ देना, लिफाफे का टिकट जारी न करना। जो मेरी जिंदगी के साथ की है, वही मरने पे फनकारी न करना, मेरे बच्चों के आंसू पोंछ देना, लिफाफे का टिकट जारी न करना। गजल का मतलब दोस्तों हाजिर कर रहा हूं, थोड़ा सा अगर इन बच्चों पर आप कुछ जादू कर सकें तो ये शायरी की तरह मुतवज्जो है तो बड़ी इनायत हो। मतलब हाजिर करता हूं, लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता। मुलाहिज़ा फरमाएं यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों की क्या हैसियत है कि लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू ज़बां नहीं होता, हमारे दौर में आंसू ज़बां नहीं होता। एक बार और मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, और मैं चाहता हूं कि जो जाए मत नहीं ताकि मुझे गजल पढ़ने का लुत्फ आ सके कि लहू ना हो।